नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल स्टार राइड्स पर। तो दोस्तों, आज आपके सामने खड़ा है महिंद्रा का अल्फा जो कि डीजल ऑटो है। तो आज की इस वीडियो में इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू करेंगे, उनसे जानेंगे कि कैसी गाड़ी है, कैसे क्या गाड़ी चलती है, कितना माइलेज दे रही है, कितने में गाड़ी ऑन रोड पड़ी है। तो उनसे जानेंगे उनको क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या उनको लग रही है गाड़ी, हर प्रकार की जानकारी लेंगे उनसे। तो वीडियो के लास्ट तक बना रहे, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे घंटे को प्रेस करें। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऐसा कुछ है गाड़ी का फ्रंट लुक, मैंने रिव्यू किया हुआ है इस गाड़ी का, अगर रिव्यू देखना है तो चैनल पर जाकर देख सकते हो। और ऐसे कुछ पूरी इसकी बॉडी है, इसको ऊपर बढ़ाया गया है, ये आफ्टर मार्केट जो कि आप देख सकते हो। और ऐसा कुछ है गाड़ी का पीछे का लुक, अभी इसमें थोड़ा बहुत लोड भी है, भरा हुआ है, उनसे जानेंगे भाई कितना लोड भरते हैं। और ये है गाड़ी का इंजन, ये वाटर कूल्ड इंजन है, यहाँ से ठंडा होता है, इसमें रेडिएटर लगा हुआ है। और ऐसा कुछ है गाड़ी का इस साइड का प्रोफाइल, यहाँ पर आपको 10.5 लीटर का डीजल टैंक मिलता है, और यहाँ पर आपको 450 इसके टायर मिल जाते हैं, ऐसा कुछ इसका सस्पेंशन है। और ये इस गाड़ी के मालिक है। हाँ जी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। क्या नाम है सर आपका? राम स्वरूप जी मालिक। अच्छा, आपने ये गाड़ी कब खरीदी सर? 6 महीने हो गए। अच्छा सर, आपको ये गाड़ी को ले हुए 6 महीने हो गए। और कितने में पड़ी है सर आपको ऑन रोड? 3.5 लाख की तो कैश पेमेंट की रेट थी। 3.5 लाख इसकी कैश रेट थी। और आपने फाइनेंस कराया होगा? फाइनेंस कराया। कितने में पड़ जाएगी फाइनेंस होती, मतलब 4.40 में गिरेगी? 4,40,000 में ऑन रोड आपको पड़ जाएगी, मतलब फाइनेंस कंप्लीट होने पर। कितनी किस्त आती है इस गाड़ी की? 11,000 किस्त बड़ी आती है तब तो। और कितने साल का लोन है ये? 3 साल। 3 साल का। और कितने का लोन कराया आपने, कितना डाउन पेमेंट किया इस गाड़ी का? 50 कराया है। अच्छा, ये 3 लाख का, ये अपने 1 लाख रुपए आपका मतलब ब्याज लग जाएगा पूरा जैसे। 1 लाख। और अभी कितना माइलेज निकाल रही है गाड़ी ये? 25 इसका निकाल लेती हैं। 25 का निकाल। आप नॉर्मल कहते इसमें गाड़ी में कितना लोड भरते हो? इसमें कभी कदा 1,000-1,200-1,300 किलो ही भर लेते हैं। 12-13 बोरी नॉर्मल 12-13 क्विंटल भरते हैं? हाँ, 12-13 क्विंटल, बाकी नॉर्मल तो 1,800-1,900 किलो, 1,000 किलो ऐसे ही चलता है। और कभी 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 कदा कुछ तो वो 1,200 ही हो जाता है, 1,300 ही हो जाता है। और ज्यादा से ज्यादा कितना लोड भरा हुआ है आप इस गाड़ी में? मेरे इसमें 1,500 भरा हुआ है। अच्छा, 15 क्विंटल आपने भरा हुआ है। उसमें कैसे चलते हैं गाड़ी? में किया हूँ। लोकल पे चलाई है लेकिन? लोकल पे चला। हाँ, और इतना लोड भरने के बाद गाड़ी कैसे चलेगी, मतलब आराम से चल गई या फिर? आराम से। अच्छा, और आपका इस गाड़ी के लिए कैसा क्या एक्सपीरियंस है, मतलब क्या कुछ कमी लगी इस गाड़ी के लिए आपको, जो भी आपका लगा हो वो मतलब रियल एक्सपीरियंस बताना। मतलब इसमें एक तो जब लोड जो भरते हैं ना ज्यादा, जब 1,000-1,200 किलो वजन हो जाता है तो थोड़ा ब्रेक इसमें थोड़ा कम आता है। अच्छा, ब्रेक कम आता है? ब्रेक कम आता है। अच्छा, और क्या इशू है आपको इस गाड़ी में? और तो अभी तो कुछ नहीं लगा, कोई कमी नहीं लगी बाकी दूसरा को। अच्छा, कोई भी कमी नजर नहीं आई इंजन के बारे में? हाँ, इंजन के बारे में अभी कोई कमी नहीं नजर नहीं। तो आपने इस गाड़ी को ही क्यों परचेज किया, मतलब महिंद्रा की ही क्यों ली, जैसे आप पे भी आती हैं, बजाज भी आती हैं, उनकी भी सेम कीमत है लगभग? महिंद्रा पे थोड़ा विश्वास है हमारे को। अच्छा, महिंद्रा का विश्वास है, मतलब महिंद्रा का भरोसा है आप पे? भरोसा है। गाड़ी कोई भी गाड़ी लेंगे तो महिंद्रा गाड़ी अच्छी आती है। और इससे पहले आपके पास कोई दूसरी गाड़ी थी? जीवो, जीवो था। कौन सा? जीवो, महिंद्रा जीवो। महिंद्रा जीवो था, वो फोर व्हीलर? फोर व्हीलर। अच्छा, 2 साल चला के फिर वो इसमें वहाँ जमा कराया कंपनी में। अच्छा, कितने साल चलाया उस गाड़ी को आपने? 10 साल। 10 साल चलाया महिंद्रा जियो को? महिंद्रा जियो। और उसको वापस जमा करके इसको निकाल लिया आपने? अच्छा, पहले भी थी, मतलब आपको विश्वास था इस गाड़ी पे, मतलब इसलिए? हाँ, जैसे कोई गाड़ी लेना चाहे तो उसको क्या बोलोगे, भाई इस गाड़ी को लेना चाहिए या फिर दूसरी गाड़ी की तरफ चला जाना चाहिए? अभी जो है ना मेरा विचार कि ये कैसे शिक्षित होगी, मेरे ये किस्तें खत्म हो गए थे, क्योंकि ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं देवे तो फिर हम बोल सकते हैं कोई ग्राहक को भी अभी गाड़ी अच्छी है। अभी तक तो अच्छी है लेकिन अभी तक तो जब तक ये किस्तें पूरी होगी तब तक पता चलेगा भाई गाड़ी अच्छी है या फिर बुरी है, कैसी क्या है जो। अभी तक तो मतलब इसका जवानी है। हाँ, जवानी है। जैसे बुढ़ापा आएगा तब पता चलेगा भाई गाड़ी अच्छी है या फिर बुरी है। मैं वो जीवो टेम्पो लिया, उसको 10 साल चलाया मैं। हाँ, कोई उसमें भी कोई प्रॉब्लम तो यही थी कि कंपनी में उसका पार्ट्स नहीं मिलता। हाँ, उसके इतना मार्केट नहीं था, मार्केट नहीं हुआ तो। हाँ, तो पार्ट्स नहीं मिलते पाते थे। इसके तो बराबर मिल जाते हैं पार्ट्स? अभी देखो ये तो नया है, अभी तो पार्ट्स की जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत पड़ेगी तो। सर्विस करा दी आपने इस गाड़ी की? हाँ, 2 बार सर्विस करा। अच्छा, सर्विस का कितना कॉस्ट आया इस गाड़ी का? 1,200-1,500 रुपये के मतलब कॉस्ट आया। और कितने टाइम में आपने सर्विस कराई, कितने किलोमीटर पर कराई सर्विस? एक तो कराई थी 5,000 रुपये, एक पहले करा दी थी कुछ लिए
छः महीने में आपने दो बार सर्विस करा दी कुल मिला के। और आपने इस बॉडी में कितना लगाया? काफ़ी मजबूत आपने बॉडी बनाई है। 20,000 रुपये लगे बॉडी पे। इस बॉडी के 20,000 रुपये लगे हैं। और लोकल किस पर चलती है, मतलब कितने लंबे जाते हैं इस गाड़ी को लेकर आप? नहीं लंबे मैं नहीं जाता हूँ। अच्छा लंबा नहीं जाते, लोकल ही चलते हो? भीलवाड़ा में लोकल ही चलते। अच्छा किराना पे चलते हो या फिर? किराना पे। मतलब फर्स्ट से यही काम कर रहे हो या फिर? फर्स्ट से यही काम कर रहे हैं यहीं पे। अच्छा कितने साल हो गए आपको? हो गया 11 साल हो गए। 11 साल? जो 10 साल तो आपने वो गाड़ी चलाई? 10 साल तो वो गाड़ी चलाई। 11 साल हो गए टेम्पो लाइन में। अच्छा तब तो आपका बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा इस गाड़ी के लिए, मतलब कौन सी गाड़ी क्या है। दोस्तों ये था इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू। कैसा लगा आपको? कोई भी कमी लगी या फिर कुछ भी सवाल पर रह गया हो तो कमेंट करके बताना, मैं इनसे पूछकर आपको बता दूंगा। और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट कर देना। और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई गाड़ी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।